हाल ही में दोस्तों इंडिया में भी 5G लॉन्च हो चुका है और कई बड़े शहरों में ये 5G सर्विस अवेलेबल कर दी गई है। यहाँ पे जियो का ट्रू 5G है और यहाँ पे एयरटेल का 5G प्लस है। दोनों की जो सर्विस है किसी कोई 5 शहरों पे दिया गया है और कई 8 शहरों पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 5G से भी कई सारे स्कैम हो चुके हैं और यहाँ पे कई लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ी न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा जिस वजह से आप थोड़ा सिक्योर रह सके। और ये हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूट से मतलब ये रिपोर्ट निकल के आई है कैसे ये लोग 5G द्वारा स्कैम कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है 5G अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और कई लोगों में उत्साह है 5G सर्विस को यूज़ करने के लिए या फिर उसका लुत्फ उठाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्कैमर्स है वो किस तरीके से यहाँ पे जो लिंक भेजकर ये सारा स्कैम करते हैं और चुटकियों में आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे वो सारा का सारा जो आपका बैंक अकाउंट का एक्सेस है वो चेंज हो जाएगा। वो बैंक अकाउंट का एक्सेस चेंज होगा, वो आपके सिम कार्ड का चेंज हो जाता है एक्सेस और आपका जो नंबर वगैरह है वहाँ से सारा सिस्टम चेंज हो जाता है और जो उसका एक्सेस है वो सामने वाले पर्सन पे चला जाता है। इस तरीके की लिंक अगर आपको आती है तो आपको उस पर नहीं क्लिक करना है। और भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँ तो हाल ही में ये लोग स्कैमर्स करते हैं, जैसे शहरों में 5G लॉन्च हो चुका है उस शहर में वो स्कैम जो है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 5G यूज़ करना है, 5G यूज़ करना है, 4G स्मार्ट में 5G यूज़ करना है। इस कारण वो ये किसी टारगेट यूजर बेस को टारगेट करते हैं और उसके फ़ोन में ये लिंक भेज कर, अब जिसे 5G यूज़ करना है तो उसको वहाँ पर लिंक जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा सामने में भी कि एक क्लिक करने पर जो 5G सर्विस है आप यूज़ कर पाएंगे वगैरह वगैरह, या फिर सिम कार्ड जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा ताकि आप 5G यूज कर पाएँ, आपके 4G फोन में भी 5G कनेक्टिविटी आ पाए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो लिंक है वो आपके इसमें कुछ ऐसे मेलवेयर सॉफ्टवेयर का वहाँ पे डाउनलोड कर देगी जिसकी वजह से जो आपके फ़ोन में जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो भी SMS वगैरह आ रहे हैं, OTP वगैरह आ रहे हैं वो सामने वाले बंदे को पूरा पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जिसके द्वारा जो आपका सिम का ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एक सिस्टम बना लेते हैं जिसकी वजह से और वहाँ पे वो लोग चेंजेस कर देते हैं ताकि आपके सिम में जो भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो ना आए, जो मैसेज OTP वगैरह है वो सामने वाले सिम कार्ड में जाए जो भी उन्होंने उसको कॉपी करके बनाया हुआ है। जैसे आप वहाँ पे वो सिम से अपने इसमें कैसे भी करके वो लोग लॉगिन करके और आपके अकाउंट से वो पैसा निकाल सकते हैं, हालांकि कई सारी डिटेल्स और भी निकाल सकते हैं वहाँ से, जैसे आपके कार्ड नंबर वगैरह, ATM पिन वगैरह आप अगर कहीं ऑनलाइन सेव करके रखते हैं तो इस तरीके से वे सब निकाल के आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये घटना कई बड़े शहरों में हुई है और ये आज तक में भी आया था, इस वजह से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी कि ये कई लोग शायद इसकी चपेट में ना आए क्योंकि 5G जो है नया है अभी और इसको यूज करने का जो यूजर्स बेस है काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूजर बेस होने वाला है और कई लोगों में इसमें मतलब उत्साह है कि हम जल्दी 5G यूज़ करें, जल्दी 5G यूज़ करें, इस वजह से सारा जो स्कैम हो पाता है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी भी आपको हेल्प हुई हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।